तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आज प्रतीक्षा जी के घर से जब हमें आते ही चट मंगनी और पट ब्याह। पोपट लाल, अब जीवन में जीवन साथी की कमी पूरी होगी, अब से मैरिज ब्यूरो के चक्कर काटना बंद। अप्सरा जी। अरे पोपट लाल जी, आपकी खुशी बता रही है कि प्रतीक्षा जी से आपकी बात आगे बढ़ गई है। अरे हाँ, कल मैं और मेरा गोकुल नाम का परिवार उनके घर गए थे, उन्हें देख लिया और उनके परिवार के साथ मीटिंग भी हो गई। तो बात पक्की हो गई? आज हो जाएगी। आज 10:40 पर उनके जवाब का फोन आने वाला है। वो मुहूर्त में बहुत मानते है ना, इसलिए 10:40 को फोन करने वाले। अरे वाह, मैंने ना यही पूछने के लिए फोन किया था। मेरी भगवान जी से प्रार्थना है कि जवाब हाँ में ही आए। थैंक यू अप्सरा जी, ये सब आपकी वजह से हुआ। आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। मेरी सालों की तपस्या का फल मुझे आपके मैरिज ब्यूरो ने दिया है। पोपट लाल जी, यही तो हमारे स्वर्ग मैरिज ब्यूरो का काम है। ऑल द बेस्ट, और हमें शादी में बुलाएंगे ना? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, जरूर बुलाऊंगा। और आज तक मैंने आपके मैरिज ब्यूरो में जितनी फीस भरी है ना, उसका दुगना शगुन में लूंगा, वो भी रोकड़े में। अरे मजाक कर रहा हूँ, लूंगा नहीं दूंगा, आपको मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा। अरे नहीं नहीं पोपट लाल जी, आपका रिश्ता तय हो जाए वही हमारे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है। थैंक यू। चलिए ओके, बाय बाय बाय। ओके बाय। किशन कन्हैया गिरधर मुरारी, तू तो अंतर्यामी है, सब जानता है। इतने सालों से मैं अपनी शादी की राह देख रहा हूँ, आज प्रतीक्षा जी के घर वालों की तरफ से हाँ आ जाए और मेरी शादी की प्रतीक्षा पूरी हो जाए। सॉरी किशन जी, अब हमारी बात यहीं पूरी करनी पड़ेगी, अभी टाइम नहीं है ना, प्रतीक्षा जी के घर से फोन आने वाला है, मुझे गोकुल धाम पहुँचना है। गणपति पप्पा, 10:40 होने में है और लड़की वालों का फोन आने में है, तो जरा देखना हमारे पोपट लाल की इतने सालों की प्रतीक्षा इस प्रतीक्षा पे खत्म हो जाए। हाँ माधवी, ओ माधवी। हाँ। अरे चलो, देर हो रही है। कहाँ देर हो रही है, फोन आने में टाइम है अभी। पता है फोन आने में टाइम है, लेकिन मुझे जेठा की चिंता हो रही है। अगर भाई, जेठा भाई की क्यों? क्योंकि उसके मोबाइल पे फोन आने वाला है ना, तो उसने अपना मोबाइल चार्ज किया है नहीं किया है, भूल तो नहीं किया, देखना पड़ेगा ना। लैंडलाइन नंबर दिला है ना? हाँ वो तो दिया, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि पोपटलाल वहाँ पे पहुंचा है कि नहीं। उनकी तो चिंता ही मत कीजिए आप, पोपट भाऊ जी कब के पहुंच गए होंगे, ऐसे फोन के सामने बैठे होंगे राह देखते हुए। हेलो। हाँ हेलो, आवाज बराबर आ रही है? हाँ मतलब डबल आवाज आ रही है। हे, और कौन बोल रहा है? नहीं नहीं, आपकी क्यों डबल आवाज आ रही है? एक यहाँ से और एक इसमें से। तू फोन रख, फोन रख। ये क्या था बाबूजी? चेकिंग। ये भाई चेक कर रहा था कि तेरा मोबाइल ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा। अच्छा चल, अभी तू एक काम कर, तेरे मोबाइल से लैंडलाइन पे फोन लग। अभी तो आपने उसमें से फोन किया ना, ये भी फोन बराबर चल रहा है बाबूजी। अरे भाई अभी चेक किया ना कि तेरे मोबाइल पे फोन बराबर आ रहा है, तो अभी ये चेक करना है कि लैंडलाइन पे फोन बराबर आ रहा है कि नहीं। अच्छा तू फोन लगाना भाई, और जरा दूर जाके बात करना। अच्छा ठीक है। क्या ठीक है, अपने कमरे में जाके बात करना। हाँ लगा फोन। आया फोन आया। ए फोन आया, ए फोन आया, जल्दी आओ जल्दी आओ। हेलो। हाँ भाई, हाँ आवाज आ रही है? डबल आवाज तो नहीं आ रही है ना? नहीं नहीं ना। अरे नहीं, तू फोन रख, फोन रख। बोल सकते ना? बोल दिया है? ना बोल दिया, तुझे फोन आया था? नहीं नहीं, मैं कहने रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ना बोल दिया उन्होंने? अरे अभी तक उनका फोन ही कहाँ आया है? फिर आप किससे बात कर रहे थे? मुझसे वो लैंडलाइन फोन पे अगर बाहर से फोन आता है तो बराबर उसमें आ रहा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, वो तुम्हारा फोन ठीक चल रहा है ना? हाँ मेरा फोन भी बराबर चल रहा है। चार्जिंग? हाँ फुल चार्ज। अरे वाह वेरी गुड। ए तो उत्सव मूर्ति कूटे कौन? पोपट लाल। तो वो अभी तक आया ही कहाँ है? अयो आश्चर्य से, मुझे तो लगा था कब क्या आके बैठे होंगे फोन के सामने। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आता ही होगा।
आया फोन। अरे नहीं नहीं, उनका फोन थोड़ी होगा, उनका फोन तो 10:40 को आने वाला है। अभी 10:40 कहाँ बजे? हाँ तो ये किसका फोन है? तो फोन उठाऊंगा तो पता चलेगा ना। चाचा जी फोन में बताइएगा, मैं ही कर रहा था। क्यों? चेक करने के लिए कि फोन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। भैया आ जाओ, आ जाओ। नहीं नहीं आप यहीं खड़े रहिए, फोन के सामने रहिए, मैं आ जाता हूँ। क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी क्या? अरे क्या कर भाई? बाबूजी आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ क्या? लेकिन कुछ नहीं, हाथी का धक्का लग गया भाई। तू बैठ जा। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये क्या लेके घूम रहे हैं आप आती भाई? वो मैं समोसा और लड्डू लाया था। वैसे आपका फोन ठीक से काम कर रहा है ना? हाँ ठीक से कर रहा है, फर्स्ट क्लास एकदम। चार्ज है ना फुल? अच्छा ये हाँ हाँ ये फुल चार्ज है, चार्ज है, ये देखो। थैंक यू। हाथी भाई लेकिन आप ये समोसे और मिठाई लेके क्यों आए? वो मिठाई खुश खबर हो तो मुँह मीठा कराने के लिए। और समोसे? खुशी को दुगनी करने के लिए। आया 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 फोन आया? नहीं अभी तक तो नहीं आया। बेटा भाई मोबाइल चार्ज है ना? फुल चार्ज है अब्दुल, फुल चार्ज। ओके ओके। सबको बहुत कंसर्न है आज और उत्साह भी। आया आया फोन आया? नहीं अभी तक नहीं आया। जडलन तुम्हारा फोन तो चार्ज है ना? अरे फुल चार्ज है भाई, फुल चार्ज है मेरा मोबाइल। जडलन पर मैंने तो कैजुअली पूछा, तुम इतना भड़कता क्यों है? बबीता जी कहाँ है? आई एम नॉट लेट। नहीं नहीं बिल्कुल लेट नहीं है आप। फोन तो नहीं आया ना? नहीं अभी तक तो नहीं आया। आपके फोन में चार्ज तो है ना? एकदम फुल चार्ज है। गुड गुड। नामानुसयानी पंचोजी अधेरी कलर मात्र। कुछ नहीं। क्या मैंने सुना धीमी आवाज में आप कुछ बबड़े? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो ये बोल रहा था कि फोफड़ा लाल किधर है? अरे हाँ हम सब यहाँ पे, पोपट भाई आए क्यों नहीं अभी तक? तो ढोल कौन बजा रहा है? ओ लगता है दूसरा जा ढोल के साथ आ रहे है। अरे लेकिन अभी से ढोल क्यों बजा रहा है वो? नहीं उसको डायरेक्ट तो फोन नहीं आ गया कि हमारी तरफ से हाँ है? अरे हाँ हो सकता है। चलो 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 हाँ देखते हैं भाई, चलो 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 चलो। उसने में चार लोग हैं पर टप्पू कहाँ है? टप्पू तो वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए गया हुआ है ना बाहर। वो बंद करना है, क्या नाच रहा है? कब से बोल रहे बाबूजी, चिल्ला रहे बंद करो बंद करो, सुन ही नहीं रहे तू। क्यों है चाचा जी? अरे डिब्बा कहाँ है? मेनू क्या पता? तो सोड़ी तो ये ढोल और शहनाई के साथ क्यों आया? और जब पोपटलाल है ही नहीं तो बजा क्यों रहे हो भाई? ओ यारो आज तो पप्पू के रिश्ते का जवाब आने वाला है तो सोचा माहौल बना के रखे। लेकिन सोड़ी अभी पता नहीं है ना कि जवाब हाँ में आएगा कि ना में आएगा। ओए अय्यर प्रा, अगर जवाब हाँ में आया तो ढोल और शहनाई बजाएंगे, और ना में आया तो तो सैड राग में सिर्फ शहनाई बजाएंगे। अच्छा बोल बाका। हाँ सेठ जी मैं दुकान पहुंच गया हूँ। हाँ तो उसमें फोन क्यों कर रहा है? नहीं फिर आपको टेंशन ना हो ना सेठ जी कि अरे मैं तो दुकान जाने वाला नहीं हूँ तो दुकान का क्या होगा। तो आपको टेंशन ना हो इसलिए मैंने फोन किया ये बताने के लिए कि मैं दुकान पहुंच गया हूँ। और आप काम का भी कोई टेंशन मत लेना, जितनी डिलीवरी है वो सारी टाइम पे करवा दूंगा।
ठीक है शाबाश चल। ए सेठ जी एक मिनट, वो पोपट भाई के रिश्ते का जवाब आने वाला है ना, तो पोपट भाई को मेरी तरफ से खास विश कर देना। जरूर जरूर कर दूंगा चल। और हाँ, मेरे लिए अगर कोई काम हो तो प्लीज बताना। अरे भाई तो अभी ये फोन रहा क्या, मेरे फोन पे पोपट लाल के रिश्ते का फोन आने वाला है भाई। अरे बाप रे, सॉरी। हाँ चल चलिए अब सब अंदर बैठते हैं, अगर पवन सिंह जी का फोन लैंडलाइन पर आया तो। हाँ अभी सर 10 मिनट बचे हैं। चलो 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 जल्दी आओ सब लोग। हाँ चलो चलो आइए बाबू। ये डिब्बा कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं? वो कहाँ है, ऐसे तो पोपट पहुंची शादी के लिए कितने उतावील होते हैं, आज जब रिश्ते के लिए फोन आने वाला है तो गायब है। मुझे तो लग रहा था पोपट भाई इतने एक्साइटेड होंगे कि एक कलाक पहले ही जेठा भाई के घर पे आके बैठ गए होंगे। हाँ एग्जैक्टली, मुझे भी वही लग रहा था। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग जवाब ना में दे, ये पहले से ही सोचकर मायूस होकर वो कहीं छुप गए हैं? नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। पोपट भाई ऐसे हार मानने वालों में से नहीं है, वो हर एक चैलेंजेस को ना बहुत स्ट्रॉन्गली फेस करते हैं। तो फिर पोपट भाई गए किधर? घर पे उसने बोला था कि वो मंदिर जाके यहाँ पे आएगा। एक गोगी, जरा तेरे सोसाइटी के मंदिर जाके देख, वहाँ पे है तो बुला ला उसको। हाँ। अरे गोगी, नहीं। अरे भिड़े भाई, वो पोपट भाई सोसाइटी के मंदिर में नहीं गए, वो बाहर किसी और मंदिर में गए। ओ। फिर भी बहुत टाइम लग गया आने में। कहीं उन्हें अर्जेंट रिपोर्टिंग के लिए बुलाया हो और वो वहीं चले गए होंगे तो। अरे नहीं नहीं कमल भाभी, शादी के लिए पोपटलाल रिपोर्टिंग तो क्या, अगर जरूरत पड़ी तो अपनी पत्रकारिता की लाइन छोड़ दे। तो फिर आखिर पोपट भाई गए कहाँ? अब तो फोन आने का टाइम भी हो गया, अगर पवन सिंह जी का फोन आ गया और उन्होंने पोपट भाई के बारे में पूछा तो हम क्या जवाब देंगे? अरे वो पूछेंगे ही, उन्हीं के लिए तो फोन आ रहा है। हेलो जी, मैं पवन सिंह पुरी बोल रहा हूँ। हाँ पुरी जी, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। नमस्ते जेठालाल जी, नमस्ते। मेरी बात सुनो प्यारे, चंपक चाचा जी से बात करवाइए मेरी। हाँ देता हूँ। हाँ नमस्ते पवन सिंह जी। नमस्ते चाचा जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब और पोपटलाल जी? ठीक है, मतलब बढ़िया है। अच्छी बात है, तो मैं चाचा जी काम करते, वीडियो कॉल पर बात करते। हाँ ठीक है। अरे चाचा जी। तो भाई ये का है? भाई मुझे का है? नहीं, उन्होंने बोला वो वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हैं, और अगर पोपटलाल के बारे में पूछा तो कुछ आइडिया सोचना पड़ेगा ना कि क्या बोले। बोलिए पवन सिंह जी, बोलिए। नमस्ते पुरी जी। नमस्कारम। क्या कर रहे हैं ये रफाई? डॉक्टर आदि ने किया इसलिए मैंने भी किया। वो डॉक्टर है, मैं भी साइंटिस्ट है। नमस्ते, मतलब आप सब एक साथ में हैं? हाँ, आपको तो पता है हम गोकुलधाम एक परिवार है, तो अभी टपू सेना भी सब साथ में ही है। अच्छी बात है, आप सब सोसाइटी वालों के बीच में अच्छा मेल है। आंटी जी, हम सब सिर्फ नाम के लिए सोसाइटी है, बाकी तो हम सब एक परिवार ही है। बढ़िया है। अब मेन बात कर ले, वो मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। हाँ, बोले। चाचा जी, पोपटलाल जी कहाँ है, बुलाइए उन्हें। पोपट बेटा पानी पीने गया है, वो आ जाए तो हम फोन करते हैं आपको। ठीक है
करेंगे करेंगे। दादाजी तुसी बड़ा चंगा किया, अब जब तक पोपू नहीं आ जाता ना फोन ही नहीं करेंगे। अरे लेकिन सोड़ी, पोपटलाल की राह देखने में अगर मुहूर्त चला गया तो? सही बात है, पवन सिंह जी मुहूर्त में कितना मानते हैं। मैं एक बार ना बालकनी से देख लेता हूँ, कहीं वो दिखे तो। मैं दोबारा उसको फोन करता हूँ। ये किसका फोन है? ये मेरा फोन है। सॉरी बैठे। पोपट अंकल तो कहीं भी नहीं दिख रहा है, वो फोन भी नहीं उठा रहा है। हेलो, अरे भाई पोपटलाल जी आए कि नहीं? तो मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। हाँ वो क्या हुआ के अपना पवन सिंह जी बोल रहे हैं ना? हाँ भाई हाँ। हाँ मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। अपना ओ पोपटलाल जी वो पानी पीने गए थे ना, तो क्या हुआ कि आपका फोन आया तो हमने उनको आवाज दी। ए जल्दी आओ जल्दी आओ, ओ पवन सिंह जी का फोन आ गया। तो हड़बड़ाहट में क्या हुआ, उनके हाथ से वो जो पानी का ग्लास है वो छूट गया और पानी सारा उनके कपड़े पे गिर गया। तो अभी वो जरा कपड़े बदलने गए अपने घर पे, तो जैसे ही कपड़े बदल के आते हम बात करवाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, पोपटलाल जी आ जाए तब कॉल करना, लेकिन जल्दी करना, मुहूर्त का समय कहीं बीत न जाए। हाँ नहीं 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 बाबा, आते ही तुरंत आपको फोन कराएंगे। ठीक है ठीक है। अब क्या करें, फिर से फोन आए तो हम उनको क्या जवाब दें? अब क्या बहाना बनाएंगे? हाँ पोपट भौजी लौकर या ओए पोपू अरे कहीं कलटा का किदी। ए नहीं 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 आए, मैं तो खुद से बोल रहा था कि पोपू कितने रह गया तू। ऐसे टाइम पे कोई ऐसे लापरवाही कैसे कर सकता है? अरे बोलना। बोलिए बोलिए पवन सिंह जी। पूरी जी। अरे आए कि नहीं पोपटलाल जी तैयार होकर? जी ओ पोपट बेटा आ गया 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 अपना वो मिठाई मिठाई के डिब्बों की बात कर रहे बापू जी। अच्छा जी भाई सैल्यूट है आपको, क्या बेटा पाया आपने, क्या संभाल दिया नहीं? तो दोस्तों हमारा है जो गोकुल धाम है वो हंसी और खुशी का मुकाम है, मौज और मस्ती का एक धाम है। यहाँ जो भी है आता खाली हाथ नहीं जाता, भरपूर मनोरंजन है पाता। तो आप भी आइए, अपने परिवार को भी लाइए, देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसिए हंसाइए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.